हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा तो आज हम सी एग्जाम 2023 24 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको ये यूनिट आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है और यहाँ से बहुत ही आसान सवाल आपको पूछे जाते हैं आप एक बार भी इसको देख लोगे तो आप इसको एग्जाम में कर सकते हो तो स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने ये सीरीज़ देखी तो आपको ट्वेंटी फाइव प्लस मार्क ही आना चाहिए थर्टी प्लस थर्टी में से आपको ट्वेंटी फाइव प्लस ही मार्क आएंगे ये मेरी गारंटी है तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन फर्स्ट हैं सर तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सी टेड पेपर वन एंड पेपर टू के लिए यहाँ पर कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया गया है तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे दैन रिविजन शॉर्ट नोट्स मिलेंगी 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा रहेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से होगा टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से होगा क्योंकि टम टाइम बहुत कम होता है और आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपका बहुत सारा जो पार्ट है वो छूट जाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है और आपको मार्क्स में अच्छे आ सकते हैं तो चलते हम आगे तो स्टूडेंट्स आपको उसके साथ ही आपको एम सी मिलेंगे पर पेपर की फ़ीस टू है अगर आप बोथ पेपर लेते हो तो आपको थ्री थाउजेंड में बोथ पेपर आ जाएंगे इस नंबर पर आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या डायरेक्टली ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कर, उसके थ्रू भी आप इनल हो सकते हो तो चलते क्वेश्चंस की ओर तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडीज के वो देखेंगे हम राइज कंसिश कंसियसनेस अबाउट इन्वायरमेंट कंडीशन टू टीच एनवायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ट इन्वायरमेंटल इथिक्स सेंसिटिव सेंसिटिव सोसाइटी एंड ऑल ऑफ द अबो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबो यानी हमने ये जो भी वन ए बी सी ये हमने देखा तो इसका ये सब ऑब्जेक्ट है इसके नेक्स्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुंस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज कौन से इन्फ्लुएंस जो ह्यूमन एक्टिविटीज के नहीं है वो देखेंगे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ मैग्रो मैग्रो एंड वेटलैंड देन डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर देन इंक्रीज एक्स एक्सटिक्शन रेट ऑफ स्पेसीज देन नॉन ऑफ दी अबो इसका राइट right ऑप्शन है डी नॉन ऑफ दी अबो इसमें से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है ह्यूमन एक्टिविटीज का दैन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के लिए क्या मैनेज कर सकते हैं क्या हम क्या मैनेजमेंट पॉइंट है वो देखें right हम रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड दैन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूजिंग सी एन जी एज अ फ्यूएल एंड ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दिस हम रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ये अपनाएंगे दैन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग अच्छी तरह से करेंगे दैन सी एन जी यूज़ सी एन जी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम देन अदर उदर जो हम बर्न वगैरह करते देन सी एन जी का यूज़ होगा तो इतना पोलूशन नहीं होगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन द हाइड्रोस्पेयर काउ हाइड्रोस्पियर स्पेर डेवलपमेंट यानी वहाँ पर डेवलप हो रहा है ईयर uh, पानी में वाटर में तो वहाँ पर क्या जो हो रहा है वो देखेंगे हम एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन तो ऑफकोर्स यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा इसका वाटर पोल्यूशन यानी वाटर में हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर से रिलेटेड आता है मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ भी हाइड्रा हाइड्रो हाइड्रा ये आएगा ये वाटर से रिलेटेड होगा तो यहाँ से आप देखकर ही बता दे सकते हैं डायरेक्टली हाइड्रोस्फेयर पे Uh, जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे वाटर का पोल्यूशन बढ़ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिस रेस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन आर कॉड क्या है उसको क्या कहा जाता है वो देखेंगे हम एज स्पेस देन, इंडेमिक स्पेस देन, इंडेंजर्ड स्पेस स्पेसिस एड स्पेसीज इंडेमिक स्पेसीज इंडेंजर्ड स्पेसिस की स्टोन है बी इंडेमिक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड टू प्रेजेंट इन वन रीजन स्कोड आर उसको क्या कहा जाता है इंडेमिक स्पेसीज भी कहा जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग आर प्रोवाइडेड बाय क्या है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे आप इंडस्ट्र इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर नेचर अर्बनाइजेशन क्या राइट right ऑप्शन है और स्टूडेंट्स मैं यहां पर थोड़ा हो गया जस्ट वेट दो मिनट वेट कीजिए क्योंकि यहां पर पूरा स्क्रीन ही पूरा एंड हो गया था वो देख लेंगे हम बाद में यहां पर कहा था हमारा न, कहा था हमारा ये हुआ था हमारा देन ये भी हो गया था हमारा देन uh, यहाँ पर चल चल रहा था हमारा इसका क्या ऑप्शन क्या है इसका देखेंगे इन सी ऑप्शन है इसका यहाँ पर देख लीजिए सी ऑप्शन है इसका सी नेचर नेचर से हमको बेसिक रिक्वायरमेंट मिलती है जैसे कि देन फूड फूड ले लेंगे हम फूड फूड एयर वाटर ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन के लिए जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड होता है उसमें वो देखेंगे हम ईयर वाटर लैंड एंड ऑल ऑफ दी अबो क्या राइट right ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबो ईयर वाटर लैंड ये सब होता है इन्वायरमेंट में जो कि लाइफ को सपोर्ट होता है ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ 79 नाइन परसेंट नाइट्रोजन एंड ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन बाय तो किस में होता है वैल्यूम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम वैल्यूम वेट डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दी अबो ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट right ऑप्शन है बी वेट इसका वेट होता है वेट के वेट के वेट uh, के बेसिस पर इसको uh, काउंट किया, किया जाता है इसको परसेंट में काउंट किया जाता है नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आने की आपकी संभावना होती है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं और एक बार भी आपने देख लिया तो ये आपके यानी आपके ध्यान में रहता है और आप एग्जाम में इसको कर कर आ जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराव फ्रॉम यानी इसको कहाँ किस कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है वो देखें हम ग्रीक फ्रेंच स्पेनिश एंड इंग्लिश कराइट ऑप्शन है बी फ्रेंच वर्ड जो है ये इन्वायरमेंट इसको डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सा right है इसमें देखेंगे हम प्रेशर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दी अबो इसका राइट ऑप्शन है ई ऑल ऑफ दी अबो देखिए क्लाइमेट में ये सब होता है प्रेशर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सब होता है फैक्टर ये क्लाइमेट की फैक्टर है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फॉलोइंगवायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्व इन मीनिंग मीनिंग में इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इन्वॉल्व इन मीनिंग क्या है मेजर इश्यू? वो देखेंगे हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सॉइल डिग्रेडेशन एंड ऑल ऑफ राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल डिग्रेडेशन ये सब होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज क्या इफेक्ट हो रहा है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है एग्रीकल्चर का मॉडर्न एग्रीकल्चर का वो देखेंगे हम वाटर पोल्यूशन सॉइल डिग्रेडेशन वाटर लॉगिंग एंड ऑल ऑफ दी अबो इसका राइट right ऑप्शन है बी सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल डिग्रेडेशन जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाद पेस्ट्रीसाइड हर्बिसाइड ये हम यूज करते हैं तो यहाँ से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉइल इरोजन रिमो, सरफेस सरफेसॉइल विच कंटेन। सॉइल इरोजन रिमो करते हैं सरफेस से हम सॉइल के तो इस कंटेंट से वो किया जाता है वो देखेंगे हम ऑर्गेनिक मैटर प्लांट न्यूट्रियट वो एंड बी एंड नॉन ऑफ दी अबो इसका राइट ऑप्शन है ए ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जब हम डालते हैं तो सॉइल इोजन रिमो होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डैम का क्या इम्पैक्ट है जब उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो देखेंगे हम सर्ज फॉरेस्ट देन लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट

नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखेंगे हम प्लांट ट्रीज प्लांट ट्रीज देन हेल्ड डिफॉरेस्टेशन देन कंट्रोल पोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दी इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबो ये सब करना चाहिए हमें प्लांट वगैरह देन डिफोरेस्टेशन वो नहीं करना चाहिए पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो कौन सा है वो ऑप्शन वो देख लेंगे हम यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूजिंग इंसेक्टीसाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नॉन ऑफ दी अबो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो ये इको फ्रेंडली होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये एग्रीकल्चर और देन uh, हम इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर वो हम यूज़ करते हैं तो ये डैमेज uh, करता है यानी इको फ्रेंडली नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन कौन सी कौन सी ये है वो देख लेंगे हम कम्युनिटी क्लाइमेक्स प्यूनियर सेरे देन कार्नियोरस राइट ऑप्शन है ए क्लाइमेक्स क्लाइमैक्स ये फाइनल कम्युनिटी इन इकोलॉजी सक्सेशन इज क्लाइमैक्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड वेब इज आर फूड वेब में प्राइमरी सोर्स क्या होता है वो देखेंगे हम ग्रीन प्लांट सन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड एनिमल ऑप्शन है बी सन अभी सन कैसे होता है स्टूडेंट क्योंकि यही प्राइमरी सोर्स है इसकी वजह से ही हमारा जो प्लांट है ये प्लांट यहाँ पर ग्रो होता है जैसे कि हम ये देख लेंगे यहाँ पर ये प्लांट यहाँ पर ग्रो होते हैं ये सन की वजह से होते फिर दैन उसको न्यूट्रिएंट वो ये अलग बात है दैन फिर उसके यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह ये इस पर अटैक करते ये यहाँ पर ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर एनिमल में फिर एनिमल्स को जैसे कि स्नैक दैन वगैरह वो खा लेता है फिर ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होती है फिर स्नैक को ईगल ईगल यहाँ पर खा लेता है तो फिर ये ऐसे ही चलता रहता है फिर ये जब मर जाता है तो इसको डिकम्पोज करते डिकम्पोज़र नीचे के जो भी डिकम्पोज़र है वो डिकम्पोज करते फिर दैन और न्यूट्रिएंट मिलता है फिर और फूड चेन ऐसे ही चलता रहता है फिर वहाँ से प्लांट ग्रो होता है फिर ये साइकिल चलता ही रहता है नेक्स्ट तो इस तरह से क्वेश्चन थे हमारे तो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको क्या चाहिए आपको किस पर फोकस चाहिए वो भी मुझको बताइएगा हम उस पर लेक्चर लेंगे और ऐसे ही हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे सी एग्ज़ाम तक तो आप बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि आपके यहाँ से 25 प्लस मार्क आपके बनने ही वाले हैं जो भी इसको यानी सीरियसली आपको देखना पड़ेगा आपने एक बार भी देख लिया तो ये क्वेश्चन के बहुत हार्ड नहीं है टेंथ ट्वेल्थ के ये क्वेश्चन है तो चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू हैप्पी लर्निंग